वंदे मातरम। मैं हूं ओमपाल प्रसाद, जीएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में ग्रीन पीकॉक टी की डायरेक्टर मौजूद हैं। आज हम उससे बात करेंगे कि ग्रीन पीकॉक टी कब से बनाई इन्होंने और कहां से इनको प्रेरणा मिली। तो रिकी डे, वंदे मातरम, जीएनएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ग्रीन पीकॉक टी, मैडम ये ग्रीन पीकॉक टी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ग्रीन पीकॉक टी ही नाम आपने क्यों रखा इस चाय का। ये आप देख रहे हैं सर दर्शकों, इस चाय का नाम ग्रीन पीकॉक टी है। अब ये मैडम बताएंगे इसका नाम ग्रीन पीकॉक टी आखिर क्यों रखा, प्लीज बताएं मैडम। इसमें एक्चुअली ये है कि ग्रीन का जो है, ग्रीन एक आपका नेचुरल होते हैं और पीकॉक होते हैं प्योर, और आपने मोयर का जो मोयर एक प्योर होते हैं, तो ग्रीन और मतलब नेचुरल और पीकॉक मतलब होते हैं प्योर। तो हमारी चाय पत्ती भी एकदम नेचुरल और प्योर, 100% प्योर है, तभी इनका नाम हमने ग्रीन पीकॉक रखा है। दर्शकों बहुत बड़ी बात है कि 100% प्योर भी है, असम की चाय है ग्रीन पीकॉक टी, और आपको उदाहरण भी मिल गया है इसका नाम क्यों रखा गया। तो हम आगे की बात पूछेंगे रिकी डेजी से कि रिकी डेजी, आपको इस चाय को बनाने की, इसका नाम रखने की, इसको चलाने की ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये बहुत बड़ी अच्छी सवाल आपने पूछा है हमें। पहले तो मैं अपनी मम्मी पापा को धन्यवाद कहती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक ये रास्ता मुझे दिखाया है, और मेरी हस्बैंड जो सबसे बड़ी बोलते हैं कि अमानत होते हैं, जिन्होंने मुझे ये इसके लिए मुझे पूरी सपोर्ट किया। दर्शकों बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी कंपनी चलाने के बाद एक डायरेक्टर महिला अपने संस्कार नहीं भूली जी। मैडम कुछ और जानना चाहते हैं सभी दर्शक, क्योंकि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को अगर लेता है या कोई भी यूज़ करता है किसी प्रोडक्ट को, तो जाहिर सी बात है वो जानना चाहता है कि भाई ये कहाँ से आया, ये प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा, अगर ये अच्छा है तो कहाँ से लें इसे। तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में फिलहाल कहाँ आपने अवेलेबल किया हुआ है, और उसके बाद अदर प्रांत, अदर राज्यों में आप इसे कहाँ कहाँ इसको मुहैया करा रहे हैं? हाँ, पहले तो मैं ये कहूँगी ये जो ब्रांच ऑफिस है यहाँ पे आपका दिल्ली में लक्ष्मी नगर में है, और हेड ऑफिस भी हमारा लक्ष्मी नगर में है, और हमने यहाँ पे आपका ग्रीन पार्क मेल में भी ब्रांच ऑफिस स्टार्ट किया है। और आपने सवाल किया कि कौन सी स्टेट में या राज्यों में जो बता रहे आप मिलेंगे, जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, हर साइड में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, इन साइडों में हमने ये मतलब प्रोडक्ट सप्लाई किया है। अभी दिल्ली में भी किसी किसी स्टोर में भी हमने रखना शुरू किया है, स्टार्ट किया है। और आपको ये अमेजोन की थ्रू से भी ग्रीन पीकॉक से अपने अगर नेम जो है आपने उसमें वेबसाइट में जैसे जाना चाहते हैं तो वेबसाइट में भी आप जा सकते हो, और ग्रीन पीकॉक टी का जैसे www.greenpeacockt.com उसमें अगर आप उसी वेबसाइट में जब जाओगे तो जरूर आपको ये दिखाई देंगी, उसी तरीके से ये आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। मैडम सबसे बड़ी बात आती है, अमूमन असमंजस में रहता है हर ग्राहक कि भाई पहले हम कोई और चाय पिया करते थे, अब हम कोई और चाय पिए, आखिर क्यों, क्या रेटों में भी फर्क है इसका? यस इसमें रेट में भी फर्क है, बहुत कम रेट में भी मिल जाएगा। इसमें आपका प्रीमियम, क्लासिक, इंटरनेशनल, वो हमारी जो आपका ये ब्लैक टी है जो दूध वाली चाय होते हैं, और इसमें हमने जो ग्रीन टी, ऑर्गेनिक टी, जो मार्केट में किसी किसी जगह में क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा रेट लगा के इसमें मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम लोग चाहते हैं कि ये चाय कम रेट में मार्केट में पहले जाए, क्योंकि लाइक करना भी ज़रूरी है, और आगे जाके भी यही रेट ही हमारी रहेंगे और लोग पसंद करें इसको, और इससे ज़्यादा और कुछ। दर्शकों सबसे बड़ी बात, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ ग्रीन पीकॉक टी, इसे इस्तेमाल कीजिए, परिवार में भी सुख शांति और जेब में भी खुशहाली। तो ध्यान रहे ग्रीन पीकॉक टी। तो आज थी हमारे साथ जीएनएन न्यूज स्टूडियो में ग्रीन पीकॉक टी की डायरेक्टर रिकी डे।
रिक्की डे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे स्टूडियो में आए, और सभी दर्शकों को मैं ऐसी खबरें आगे दिखाता रहूँगा। हमने हमेशा दर्शकों की हर खबर के बारे में सोचकर उनको हमेशा अच्छी चीज़ें दिखाई हैं, तो आगे भी जुड़े रहिए GNN न्यूज़ से, और इस्तेमाल करना ना भूलें ग्रीन पिकॉक टी। धन्यवाद।